बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का फरमान है कि ऐ यहया, कुव्वत के साथ किताब पकड़ो, और हमने उसे बचपन में ही हिकमत व दनाई से नवाजा। इसमें अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि मैंने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को इस तरह का बच्चा अता किया जैसा कि उसको खुशखबरी दी गई थी कि उनको बचपन में ही किताब और हिकमत व दनाई से नवाज दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बयान किया है कि बच्चों ने हज़रत यहया बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे साथ खेल के लिए चलो, तो उन्होंने फरमाया कि हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के फरमान व आतैनाहुल हुक्मा सबियन का यही मतलब है। अबू नईम अस्बहानी ने अपनी सनद से अबू सुलेमान से बयान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम इकट्ठे चल रहे थे कि यहया अलैहिस्सलाम एक औरत से टकरा गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ऐ खाला जाद भाई, आपसे वो गलती हो गई है कि मेरा ख्याल है कि वो कभी मुआफ़ नहीं होगी। यहया अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि ऐ खाला जाद भाई, वो क्या गलती है? फरमाया कि आप एक औरत से टकरा गए हैं। यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे उसका कोई एहसास नहीं हुआ। फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आपका जिस्म तो मेरे साथ है और आपकी रूह कहाँ है? आपने जवाब दिया कि अर्श के साथ लटकी हुई है। फिर फरमाया कि अगर मेरा दिल जिब्राइल की तरफ लग जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने अल्लाह की मार्फत आंख झपकने के बकदर भी हासिल नहीं की। ये रिवायत इसराइलियात से माखूज है। हज़रत खुसैमा से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई थे। ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते और यहया अलैहिस्सलाम ऊंट के बालों से बनाया हुआ लिबास ज़ेब तन फरमाते। उनमें से किसी के पास दिरहम व दिनार और ग़ुलाम व लौंडी ना थी, और ना ही किसी के पास रहने के लिए घर था। जिस जगह रात हो जाती वहाँ ठहर कर आराम कर लेते। हाफिज इब्ने असाकिर ने अर्रबी बिन अंस की रिवायत से बयान किया है कि यहया अलैहिस्सलाम लोगों से अलग थलग रहते थे और वो जंगलों से मानूस थे, और दरख्तों के पत्ते खाते और नहरों से पानी पीते, और बाज़ औक़ात टिड्डी की ग़िज़ा हासिल करते, और अपने आप को मुखातिब होकर कहते, ऐ यहया, तुमसे ज़्यादा इनाम याफ्ता कौन है? एक और रिवायत में बयान किया गया है कि उनके वालदैन उनकी तलाश में निकले तो बहरा उर्दन के पास उनकी अपने बेटे से मुलाकात हुई तो वो बहुत ज़्यादा रोए और अपने वालदैन को भी रुलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा बेटा अल्लाह का ज़्यादा इबादत गुजार और अल्लाह से बहुत डरता है। इब्ने वहाब ने मुजाहिद से नकल किया है कि आपकी खुराक घास थी, वो अल्लाह के डर से इतना ज़्यादा रोते कि अगर उनकी आंखों पर तार कोल रख दी जाए तो आपके आंसू उसको भी फाड़ दें। हज़रत इब्ने शहाब फरमाते हैं कि मैं हज़रत इदरीस अल-खुलानी के पास बैठा हुआ था और वो वाज़ो नसीहत कर रहे थे। इसी असना में वो फरमाने लगे कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना किसका था? यहया अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना खाते थे। वो जंगली जानवरों के साथ चारा चरते थे उस डर से कि कहीं लोगों की माश में वो उनके साथ ना मिल जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अल मुबारक वहाब बिन वर्द से बयान करते हैं कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहया अलैहिस्सलाम को 3 दिन गुम पाया। फिर वो उनकी तलाश में जंगल की तरफ निकले तो अचानक देखा कि वो कब्र खोद कर उसमें खड़े रो रहे हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ और तू कब्र खोद कर इसमें खड़ा रो रहा है। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की तरफ तवज्जो की और अपने वालिद से फरमाने लगे कि ऐ अब्बा जान, क्या आपने मुझे खबर नहीं दी कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जंगल है जो रोने वालों के आंसुओं के साथ ही तय किया जा सकता है? आपके वालिद गिरामी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ बेटे, फिर रोएं तो इकट्ठे रोने लग गए। इसी तरह इस रिवायत को वहाब बिन मंबा और मुजाहिद ने भी बयान किया है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के भी कई असबाब बयान किए गए हैं। उनमें से ज़्यादा मशहूर ये है कि उस दौर के बादशाह ने ऐसी औरत के साथ शादी का प्रोग्राम बनाया जिसके साथ उसका निकाह करना हराम था,
तो यहया अलैहिस्सलाम ने उसे उससे रोका तो उससे औरत के दिल में उनसे रंजिश पैदा हो गई। जब बादशाह और औरत के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने बादशाह से यहया अलैहिस्सलाम के खून का मुतालबा किया। बादशाह ने वादा किया और उसने ऐसे शख्स को भेजा जो उनको कत्ल करके उनका सर और खून थाल में रख कर उसके पास ले आए। कहा जाता है कि जब यहया अलैहिस्सलाम का सर उस औरत के सामने लाया गया तो वो औरत फौरन मर गई। और बाज़ लोगों ने ये वाकया यूं बयान किया है कि उस बादशाह की औरत यहया अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता हो गई थी, उसने आपकी तरफ पैगाम भेजा, आपने इनकार फरमा दिया तो वो आपसे मायूस हो गई, तो उसने बादशाह से आपके कत्ल का मुतालबा किया। बादशाह ने पहले तो इनकार कर दिया मगर बाद में मान गया और उसने आपको कत्ल करने के लिए आदमी भेजा। उसने आपका खून और सर थाल में रख कर उस औरत के सामने पेश कर दिया। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात जन्नत की सैर कराई गई तो आपने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आसमान पर देखा और सलाम किया और कहा कि ऐ अबू यहया, मुझे अपने कत्ल किए जाने के मुतालिक आगाह फरमाएं कि वो कैसे हुआ और बनी इसराइल ने आपको क्यों कत्ल किया। वो फरमाने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको आगाह करता हूँ कि यहया अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बेहतरीन आदमी थे। वो बहुत खूबसूरत और रोशन चेहरे वाले थे। वो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक सरदार और औरतों से रुकने वाले थे। उनको औरतों की ख्वाहिश न थी। बनी इसराइल के बादशाह की बीवी उन पर फरिश्ता हो गई और वो बद किरदार थी। उसने उनकी तरफ पैगाम भेजा मगर अल्लाह ताला ने आपको उस औरत से महफूज रखा। यहया अलैहि सलाम ने इनकार किया तो उस औरत ने उनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। उनका ईद का दिन था जिसमें वो हर साल जमा होते। बादशाह का तरीका था कि वो वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता था और ना झूठ बोलता था। बादशाह ईद में शरीक होने के लिए बाहर निकला तो उसकी बीवी ने उसे अच्छे अंदाज से अलविदा कहा। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो इससे पहले ऐसा नहीं करती थी। बादशाह ने खुश होकर कहा कि कुछ मांग ले, तू जिस चीज़ का सवाल करेगी मैं दूंगा। उसने कहा कि यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का खून चाहिए। बादशाह ने कहा कि कुछ और मांग ले इसके सिवा। उसने कहा कि बस यही चाहिए। बादशाह ने उसकी बात मान ली और अपने कारिंदे भेजे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे। मैं उसकी एक जानिब नमाज में मसरूफ था। उन्होंने यहया अलैहिस्सलाम को एक थाल में ज़िबह किया और उसका खून और सर ले जाकर मलका के सामने पेश कर दिया। रावी बयान करते हैं कि जब उनका सर मलका के सामने पेश किया गया तो उसी रोज शाम को अल्लाह ताला ने बादशाह को, उसके घर वालों और नौकरों चाकरों को जमीन में धंसा दिया। जब सुबह हुई तो बनी इसराइल ने कहा कि ज़करिया का रब ज़करिया अलैहिस्सलाम की वजह से हम पर नाराज हो गया है। लिहाजा बनी इसराइल ने कहा कि आओ हम अपने बादशाह की वजह से नाराज़ होते हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करते हैं। मेरे पास एक आदमी इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए आया तो मैं वहाँ से भागा। इबलीस उनके आगे आगे मेरे बारे में उनको बता रहा था। जब मुझे ख़तरा लाहक हुआ कि मैं उनसे भाग नहीं सकता तो मेरे सामने एक दरख्त आया। उसने मुझे पुकारा और कहा कि मेरी तरफ आ जाओ। वो दरख्त मेरे लिए फट गया, मैं उसमें दाखिल हो गया। फरमाया कि इबलीस ने मेरी चादर का एक पल्लू पकड़ लिया तो दरख्त के दोनों हिस्से मिल गए और मेरी चादर का वो पल्लू दरख्त से बाहर रह गया। बनी इसराइल आए तो इबलीस ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं कि वो अपने जादू के ज़रिए इस दरख्त में दाखिल हो गया है और उसकी चादर का एक पल्लू बाहर है। उन्होंने कहा कि हम इस दरख्त को जला देते हैं। इबलीस ने कहा कि नहीं, बल्कि इसको आरे के साथ चीर दो। तो मेरे समेत उन लोगों ने दरख्त को चीर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या आपको कोई तकलीफ़ या दर्द महसूस हुई। फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उस दरख्त की तकलीफ़ का एहसास हुआ जिसमें मेरी रूह डाल दी गई थी। ये वाक़या बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है, इसका मरफू होना सही नहीं। इसमें कई बातें ऐसी हैं कि वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं की जा सकती। मेराज शरीफ की जितनी अहादीस हैं उनमें किसी में भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं मिलता।
सिर्फ उसी एक रिवायत में उनका जिक्र है। अलबत्ता अहादीस इसरा में ये अल्फाज महफूज मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यहया और ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, वो दोनों खाला जाद भाई हैं। इस लिहाज से यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बारे में इख्तलाफ है कि उनका कत्ल मस्जिद अक्सा में हुआ था या कि कहीं और जगह। शिमला बिन अतिया ने बयान किया है कि बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए, उनमें से हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी हैं। अबू उबैदा कासिम बिन सलाम ने अपनी सनद से सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह अनु से बयान किया है कि जब बख्त नसर दमिश्क में आया तो उसने देखा कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम का खून उबल रहा है, तो उसने उसके मुतालिक पूछा तो लोगों ने उसको आगाह किया तो उसने आपके खून पर 70,000 आदमी कत्ल किए तो वो पुरसकून हो गया। और ये भी मालूम हुआ कि बख्त नसर का वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया। हाफिज इबन असाकर ने जैद बिन वाकिद के हवाले से बयान किया है कि मैंने यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम का सर देखा है। जब लोगों ने दमिश्क की मस्जिद बनाने का इरादा किया तो आपका सर मुबारक हजरे के साथ वाले किबले की जानिब सतूनों में से एक मशरकी सतून के नीचे से निकाला गया और आप अलैहिस्सलाम का चमड़ा और बाल उसी हालत में थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। और एक रिवायत में आया है कि ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी कत्ल किए गए हैं। हाफिज इब्ने असाकर ने अपनी किताब अल मुस्तकज़ा फी फ़ज़ाइलुल अक्सा में जिक्र किया है कि दमिश्क शहर का बादशाह हदाद बिन बदार था। उसने अपने बेटे की शादी अपनी भतीजी आरियल से कर दी जो सईदा की मलका थी। उसकी मलकियत में दमिश्क का मशहूर बादशाहों वाला बाजार भी था, उसमें सोने का कारोबार होता था। एक मरतबा उसके शौहर ने उसको 3 तलाक देने की कसम उठाई, फिर उसने रुजू करने का इरादा किया और इस बारे में फतवा पूछने के लिए हजरत यहया अलैहिस्सलाम बिन जकरिया अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने फरमाया कि वो तेरे लिए हलाल नहीं यहाँ तक कि किसी और मर्द से निकाह कर ले। इस वाक़या से मलका के दिल में हजरत यहया अलैहिस्सलाम के मुतालिक कीना पैदा हो गया और उसने बादशाह से हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर मांगा और ये उसने अपनी माँ के इशारे पर कहा था। बादशाह ने इनकार किया मगर बाद में उस पर रजामंद हो गया। बादशाह ने उसकी तरफ एक आदमी भेजा जो थाल में उसका सर रख कर पेश कर दे, तो उस वक्त जरून मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। जब वो आदमी सर लाया तो उससे आवाज़ आ रही थी कि वो उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले। औरत ने सर पकड़ा और सर पर उठाकर माँ के पास लाई और उससे अभी तक वही आवाज़ आ रही थी। जब वो अपनी माँ के सामने खड़ी हुई तो ज़मीन में धंसना शुरू हो गई, पहले पाँव तक फिर सरैन तक धंसी। उसकी माँ चीखों पुकार करने लग गई और खादमाओं ने भी वावेला करना शुरू कर दिया। वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी, फिर वो औरत कंधों तक ज़मीन में धंस गई। उसकी माँ ने जलाद को हुक्म दिया कि इसका सर काट ले ताकि उसके सर के साथ तसल्ली हासिल कर ले। जब जलाद ने सर काट कर जुदा कर लिया तो ज़मीन ने उसका पूरा जिस्म निगल लिया और वो लोग ज़ातो रसवाई में गर्क हो गए और यहया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहा यहाँ तक कि बख्त नसर आया और उसने वहाँ 75,000 आदमी कत्ल किए। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं कि हर नबी का खून था और वो हमेशा जोश मारता रहा यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अर्मिया अलैहिस्सलाम आकर उस पर खड़े हुए और फरमाया कि ऐ खून, तूने बनी इसराइल को फना कर दिया है, अब तो अल्लाह के हुक्म से पुरसकून हो जा। बस वो खून उबलना बंद हो गया, तलवार उठा ली गई और दमिश्क से भागने वाले बैतुल मुकद्दस की तरफ भाग गए, मगर बादशाह ने उनका पीछा किया और बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर लिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का ये वाक़या इंतहाई अजीब व गरीब था। ये वाक़या किस हद तक सच है वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।